नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी फूड फैक्ट्री में। तो पिछली रेसिपी दोस्तों हम छोले भटूरों की लेके आए थे, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पानी पूरी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस रेसिपी के लिए हम लेंगे सूजी, आटा, हरी धनिया, मिर्ची, लहसुन, बारीक वाले सेब दोस्तों, ये है बूंदी, ये है दोस्तों दही, ये है नमक, ये है सेंधा नमक, ये है काला नमक, ये है अमचूर पाउडर, ये है जीरा पाउडर और ये है दोस्तों वाटर। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम ऐड करेंगे सूजी। आप देख सकते हैं मैंने सूजी को ऐड किया। उसके बाद दोस्तों जितनी आपने सूजी की क्वांटिटी ली है उससे 5-10% हम इसमें ऐड करेंगे आटा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आटे और सूजी को मिला लिया है। इसको हम हल्के हाथ से अच्छा मिक्सचर करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं इसको मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम वाटर ऐड करेंगे दोस्तों। आटे को गूंथने के बाद दोस्तों इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आटे से छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी गोलियों को बना लिया है दोस्तों। उसके बाद इसे दोस्तों हम ऑयल लगाकर इसको अच्छे से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं इस साइज में हमें इसे बेल लेना है दोस्तों। दोस्तों पूरियों को बेलने के समय ये बात का ध्यान रखें कि ये ज़्यादा ना पतली रहें दोस्तों और ना ही ज़्यादा मोटी रहें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मीडियम साइज पूरी के लिए हम इसे इस हिसाब से बेल लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारी पूरी बिल्कुल परफेक्ट बेल चुकी है दोस्तों। ऐसे करके दोस्तों हम सारी पूरियों को बेल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी सारी पूरियां बेल चुकी हैं और पूरियों को दोस्तों हमने जिस कपड़े पर रखा है उसे हम हल्का गीला कर लेंगे तथा दोस्तों कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और इसमें हम पूरियों के तलने की प्रोसेस को चालू करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो कि इस रेसिपी से पूरियां शानदार एक ही बार में फूल रही हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप पूरियों का दोस्तों बहुत ही शानदार लुक आ रहा है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें दोस्तों। शानदार तरीके से पूरियों को एक ही बार फुलाने के लिए दोस्तों इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं कि हमने अब पूरियों को निकाल लिया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों हमारी जीरा पानी बनाने की है। तो इसमें ग्राइंडर में दोस्तों हम धनिया को ऐड करेंगे और दोस्तों इसमें हम 2-3 पीसेस लहसुन को ऐड करेंगे और 2-3 पीसेस मिर्च को ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे हम ग्राइंडर की हेल्प से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे 2-3 बार। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 बार ग्राइंडर की सहायता से इसे मिक्स किया। देखिए दोस्तों ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बना लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक बर्तन में हम इस पेस्ट को निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूँगा, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी ऐड किया। ये देखिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद इसमें हम डालेंगे दोस्तों जीरा पाउडर 1 चम्मच। ये देखिए मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया। उसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे काला नमक, मैंने 1.5 से 2 चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे अमचूर पाउडर, वो भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सेंधा नमक दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें सेंधा नमक ऐड किया। और इसमें अब हम ऐड करेंगे नॉर्मल नमक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा फुल्की का पानी रेडी हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको एक अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम बूंदी ऐड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों बूंदी ऐड करने के बाद यह पानी कितना अच्छा बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों हमारी आलू को उबालने की है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें दोस्तों हम 1 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे आलू को उबालने के लिए, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू ऐड करने के बाद दोस्तों हम इस कुकर को लगा देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इंतजार करें। फाइनली दोस्तों हमारी पानी पूरी हो चुकी है तैयार। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी पानी पूरी कितना शानदार लुक दे रही है दोस्तों। तो इस रेसिपी से अगर आप पानी पूरी ट्राई करते हैं दोस्तों तो बहुत ही शानदार और कुरकुरी पानी पूरी बनती है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल MP फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं दोस्तों कि अगली वीडियो आपको किस रेसिपी पे चाहिए, और हमारे चैनल को दोस्तों शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें और इस रेसिपी का यूज कर सकें दोस्तों।